ये सलाइवरी सिक्रीशंस जो हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसोफेजियल सिक्रीशंस का मैंने नाम भी इसीलिए मेंशन नहीं किया था, और वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड विद इट। मैंने इवन स्लाइड भी नहीं बनाई, क्योंकि इसोफेगस से क्या रिलीज होता है, आप लोगों के माइंड में क्या आता है? फूड है वो इजीली मूव कर जाए फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, बस इसोफेगस का यही काम है। तो इसोफेगस से सिर्फ म्यूकस रिलीज होता है, तो आपको बस यही याद रखना है, ठीक है? तो सलाइवरी सिक्रीशंस इन इंशाल्लाह वी विल डू इन डिटेल। ग्लैंड्स, अच्छा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मीन दैट दे आर प्रेजेंट विद इन द ओरल कैविटी, दे आर कॉल्ड बक्कल ग्लैंड्स, ओके? दे आर प्रेजेंट इन साइड द ओरल कैविटी, बक्कल ग्लैंड्स, एंड देयर मेन सिक्रीशन इज म्यूकस। सो वेन वी विल टॉक अबाउट द सिक्रीशंस ऑफ द ग्लैंड, द टू टाइप्स ऑफ सिक्रीशंस कैन बी सीन, द म्यूकस एंड सीरस सिक्रीशंस। म्यूकस इज for protection, and serous secretion is the one which contains salivary amylase, alpha amylase, which is actually the digestive enzyme. ठीक है, हमारे माउथ के अंदर, सलाइवा के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सीरस सिक्रीशन के अंदर होता है। जो म्यूकस सिक्रीशन है इट इज मेंट ओनली फॉर प्रोटेक्शन। ओके, तो अगेन मूविंग टू मेन टू कैटेगरीज ऑफ द ग्लैंड्स, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक ग्लैंड्स आर बकल एंड एक्सट्रेंसिक ग्लैंड्स आर पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। सो दे आर आउटसाइड द ओरल कैविटी, दे हैव डिफरेंट लोकेशंस आउटसाइड। आप लोगों ने हेड एंड नेक पढ़ लिया हुआ है? हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं, सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीज ग्लैंड्स। मैम फेमिलियर है, अभी डिटेल नहीं की। अभी डिटेल नहीं की, यू आर फेमिलियर वेयर दे आर लोकेटेड और व्हाट आर देयर मेन नेम्स। सो वी हैव थ्री स्लाइवरी ग्लैंड्स, दे आर इन पेयर्स, ये एक साइड से दिखाया हुआ है और इनका एक एक पेयर दूसरी साइड पे भी होता है। दोनों ईयर लोब्स के साथ वी हैव पेरोटिड ग्लैंड, देन वी हैव जस्ट बीनीथ द मैंडिबल द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड जस्ट बीनीथ द टंग वी हैव सब लिंगुअल ग्लैंड। सो वी हैव पेयर्स ऑफ पेरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। ये एक्सट्रिंसिक हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन साइड द माउथ, बट दे हैव डक्ट्स टू रिलीज सिक्रीशंस इन साइड द माउथ। ठीक है, हमारे मुंह में जो सलाइवा आ रहा होता है वो मेनली इनकी डक्ट्स के थ्रू एंटर होता है, और मुंह के अंदर जो ग्लैंड्स हैं विद इन द ओरल कैविटी, दे आर बकल ग्लैंड्स, दे जस्ट सिक्रीट म्यूकस। मेन सिक्रीशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज सीरस इन नेचर, जो सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है। इट कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज, एंड यू नो अमाइलेज इज मेंट फॉर डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन ऑफ विच फूड कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, मैम, स्टार्चेस। शाबाश, कार्बोहाइड्रेट। देन सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, दे आर मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स, दे सिक्रीट बोथ म्यूकस एंड सीरस सिक्रीशन। डेली सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज 1000 मिलीलीटर्स पर डे। ठीक है, जब हम जाग रहे होते हैं तब ज़्यादा सेलिवेशन होती है, सोते हुए ड्राई माउथ हो जाता है, सोते हुए उतनी नहीं होती, और अराउंड 0.5 मिलीलीटर्स पर मिनट ये सिक्रीट होता है। तो अगर आप एवरेज याद कर लो, पर डे जो है 1000 मिलीलीटर्स पर डे सिक्रीट होता है। इसकी पीएच जो है वो 6 to 7 है। क्यों हमें किसी भी जगह की पीएच का पता होना ज़रूरी है? एंजाइम रिएक्शंस।
फॉर एंजाइम्स, ताकि हमें पता हो कि अमाइलेज जो है इट वर्क्स बेस्ट इन पीएच 6 to 7, दिस इज न्यूट्रल पीएच, ठीक है। लेकिन जब हम स्टमक में जाएंगे तो पीएच क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगा ज्यादा। पीएच ड्रॉप हो जाएगी, पीएच वुड बी एसिडिक। और जो स्टमक में हमारा जो एंजाइम रिलीज होता है वो क्या होता है? रिलीज तो पेप्सिनोजेन है एंड देन एक्टिव फॉर्म पेप्सिन। हाँ जी, पेप्सिन, गैस्ट्रीन, ये जो सब हैं दे वर्क बेस्ट इन एसिडिक पीएच। तो पीएच इज अकॉर्डिंग टू द एंजाइम रिलीज। सलाइवरी अमाइलेज वर्क बेस्ट इन द न्यूट्रल पीएच, सो ओरल पीएच 6 to 7 विच इज न्यूट्रल, ठीक है। अब आयनिक कॉन्सेंट्रेशन अगर हम सलाइवा की देखें, सलाइवा के अंदर हम देखें कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, तो इट इज़ समवट डिफरेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। क्या डिफरेंस हो जाएगा कि इट हैज़ मोर पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट एंड लेस सोडियम एंड क्लोराइड एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, ठीक है। ये मेन चीज़ आपने इसमें ज़रूर याद रखनी है सलाइवा में कि इट हैज़। अब ये कैसे याद रखते हो, सोडियम और क्लोराइड को मैं हमेशा सॉल्ट की तरह याद कर लेती हूँ, सॉल्ट लेस है, ठीक है। तो क्या चीज़ें ज़्यादा हैं जो बाकी दो बच गए, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से ज़्यादा हैं और सोडियम और क्लोराइड दे आर लेस एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, ओके। यस मैम। नाउ ये कैसे हुआ, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा में हम देखेंगे कि ये आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कैसे बिल्डअप हुई। दिस इज़ योर गाइडेंस फिगर, पहले आप लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, बाद में मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगी तो इट वुड बी ईजी फॉर यू, ठीक है। वही चीज़ जो यहाँ बताई हुई है उसको जो है मूवमेंट ऑफ आयंस के साथ इस फिगर में बताया है। तो पहले सिर्फ इस फिगर पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी इमेजिन करो कि ये फिगर यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। सलाइवा जब सिक्रीट होगा, दिस इज दिस एक्चुअली फ्रॉम द इनर एस्पेक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, किसी भी ग्लैंड में से हो सकता है। मूविंग टू द मेन टॉपिक, ये अब लास्ट टाइम है, अगर ऐसा किसी स्टूडेंट ने फिर किया ना, मैं आईटी वाले किसी ना किसी को इन्वॉल्व रखूंगी क्लास के दौरान और वो पिकआउट करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट ऐसी हरकत कर रहा है और उसे मैं क्लास से एक्सपेल करवाऊंगी। ये इज एक्चुअली द इनर एस्पेक्ट ऑफ एनी सलाइवरी ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल वी इमेजिन दिस इज पैरोटिड ग्लैंड और दे हैव रिटन दिस इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ओके। तो विद इन द सब मैंडिबुलर ग्लैंड देर आर एसिनाए, these are acini and these are ducts, okay। और यहाँ से saliva बन बन के निकलता रहेगा, ठीक है। ये सारी acini हैं और acini से duct के अंदर saliva आता जाएगा और सारा saliva यहाँ से flow करके main जो oral cavity है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो within the acini the primary secretion which is present it contain ptyalene, mucus and extracellular fluid. Three things are present over here. Ptyalene is the same enzyme, the salivary amylase. Mucus होगा साथ और extracellular fluid होगा। तो हम mandibular gland को हमने mixed type of gland इसीलिए कहा था कि इसमें mucus और serous दोनों secretions होती हैं। Extracellular fluid over here, इट इज़ द सेम एज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड आउटसाइड द बॉडी। इसका ये मतलब है कि इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट सब उसी तरह ही होंगे एज दे आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, ठीक है। अभी तक की बात समझ आ गई? यस मैम। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, this is the interior of the submandibular gland containing many acini and ducts, ठीक है। within the acini हम एक acinus पे concentrate करते हैं, उसमें जो primary secretion पड़ी होती है it contain the ptyalene, the enzyme, the mucus and extracellular fluid. the fluid over here contain the same amount of sodium, chloride, bicarbonate and potassium which is present in the normal extracellular fluid, ठीक है। अभी कोई चेंज नहीं आया, तो फिर चेंज कहाँ आता है, जब ये स्लोली फ्लो करता है थ्रू द डक्ट, तो डक्ट में से सोडियम आयंस आर एक्टिवली
reabsorbed. Sodium के साथ potassium is also actively secreted. ये sodium potassium pump में होता है कि sodium ion 3 sodium out और 2 potassium in active secretion और active reabsorption हो जाती है. ठीक है, अब इसकी वजह से जब अंदर अंदर से 3 sodium यानी 3 positivity बाहर जा रही है तो there is passive reabsorption of chloride. chloride की passive absorption होती है और उसकी वजह से बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट होता है और बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है. ठीक है, तो अब आप देखो दो चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, दो चीज़ें सिक्रीट हो रही हैं. सोडियम और क्लोराइड एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए जो सलाइवा यहाँ से बन के निकल रहा है इट कंटेन लेस सोडियम क्लोराइड एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सिक्रीशन. और जो इधर से सलाइवा निकल रहा है इट कंटेन मोर पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट एज कम्पेयर टू प्राइमरी सिक्रीशन. ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम. ओके, अब इतना भी काफ़ी था, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको डिटेल में देखो कि ये हो कैसे रहा है, सेम चीज़ है उसको ज़्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म में बताया हुआ है. एसिनाए एंड डक्ट्स, फ्रॉम डक्ट एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन so of sodium and passive of chloride and secretion हमने यहाँ की थी, दो की secretion थी potassium और bicarbonate. potassium and bicarbonate they are secreted out. इसमें से potassium जो है वो actively secrete होता है और bicarbonate sometime जो है passively हो जाता है, sometime actively हो जाता है, दोनों तरीके से होता है. ठीक है, तो इसको हम अगर detail में देखें कि शुरू कैसे हुआ, अगर हम इस एक cell को, ये जो सेल था इसको बड़ा करके देखें तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है ब्लड की तरफ जो है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप पड़ा हुआ है जिसने 3 सोडियम आउट किए और 2 पोटेशियम इन किए. व्हेन इन द इंटीरियर नेगेटिविटी बढ़ रही है ना तो क्लोराइड आयन जो है पैसिवली आउट हो जाएगा, क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ से कहते हैं कि क्लोराइड की पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगी. ठीक है, अब जो ल्यूमिनल साइड है क्योंकि सोडियम इधर से जा रहा है तो ल्यूमिनल साइड पे सोडियम एंटर होता जाएगा और यहाँ से ल्यूमन से सोडियम रिमूव होता है. ठीक है, और पोटेशियम जो इधर आ रहा है उसने भी जाहिर है सिक्रीट होना है, इधर पोटेशियम ने जाना है तो वो भी हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज में मूव कर जाएगा. सोडियम भी हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज में और पोटेशियम भी हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज में अपनी अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा. ये बायकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट है जिसको मैं आपको बता रही थी, जिसकी वजह से क्लोराइड जब पैसिवली एब्जॉर्ब होता है तो बायकार्बोनेट सिक्रीट होता है. ठीक है, सो इट्स जस्ट द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि ये सारा कुछ हो कैसे रहा है. लेकिन मेन चीज़ भी अगर आपको याद रहे तो वो ये है कि जो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है उसमें से सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब हो जाता है और क्लोराइड पैसिव एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम एक्टिवली सिक्रीट हो जाता है और बाइकार्बोनेट दोनों तरीके से सिक्रीट होता है, एक्टिव भी और पैसिव भी. ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? सो गई पूरी क्लास. फंक्शंस ऑफ सलाइवा इन ओरल हाइजीन, हमारे मुंह में अगर सलाइवा ना हो और बिल्कुल ड्राई माउथ हो तो क्या होगा? देयर वुड बी डेंटल केरीज, मुंह के अंदर गंदी स्मेल आएगी क्योंकि बैक्टीरियाज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द माउथ एंड दे विल लीड टू बैड ओरल हाइजीन प्लस डिवेलपमेंट ऑफ केरीज, क्योंकि एसिडिक सिक्रीशन होती है हर वक्त, जैसे कि स्टमक में होती है उस तरह एसिडिटी माउथ के अंदर भी फूड प्रोडक्ट्स की वजह से बनती है एंड इट विल डिस्ट्रॉय आर टीथ और टीथ में केरीज डिवेलप हो जाएंगी और टीथ की डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, टीथ की डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस टीथ में थे वो निकल निकल के फूड के साथ चले जाएंगे और हमारे टीथ का सत्यानाश हो जाएगा. ठीक है, दिस इज इन द केस जब यहाँ पे ड्राई माउथ होगा तो एसिडिटी वुड डिस्टर्ब आर ओरल हाइजीन और टीथ की डीमिनरलाइजेशन कर देगी.
जब सलाइवा होता है, सलाइवा इज़ प्रोटेक्टिव फॉर द टीथ, ये टीथ की डीमिनरलाइजेशन नहीं होने देता और बैक्टीरियाज को किल करता रहता है, माउथ के अंदर एसिडिटी बिल्डअप नहीं होती, ठीक है। तो अब क्या है कि कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सलाइवा, फ्लो ऑफ सलाइवा इन द माउथ, इट रिमूव्स बैक्टीरिया। कोई भी चीज़ बिल्कुल ड्राई पड़ी रहेगी तो उसके अंदर जो है वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होगी। अब फ्लो की वजह से बैक्टीरियाज जो हैं वो रिमूव होते रहते हैं, साथ ही साथ ओरल हाइजीन मेंटेन रहती है। इसके अलावा थ्री बैक्टीरियसाइडल एजेंट्स आर प्रेजेंट इन द सलाइवा जो बैक्टीरिया को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। उनमें से एक है लाइसोजाइम, एन एंजाइम विच विल किल द बैक्टीरिया, थायोसाइनेट, इट ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया, एंड सर्टन एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट विच आर डिस्ट्रक्टिव फॉर द ओरल बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, तीन बैक्टीरियाइडल एजेंट्स और फ्लो ऑफ सलाइवा विल प्रिवेंट the growth of bacteria inside the mouth and it maintains oral hygiene. Nervous regulation of saliva. अब nervous regulation में क्या है कि आप ये देखो कि यहाँ से ये start करोगे आप receptor से, हमेशा हम reflex को start करते हैं ना, ये receptor है। सेंटर क्या है, सेंटर में आपके न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस टेस्ट का न्यूक्लियस है। थ्री भी सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई होते हैं सलाइवा के लिए, ठीक है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू टेस्ट न्यूक्लियाई ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है। सैयद अली हिशाम, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग, होते हैं टेस्ट के, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ओरल कैविटी से दो टाइप की स्टिमुलाई जो हैं वो जाएंगी, एक टेस्ट की और एक टैक्टाइल स्टिमुलाई। जब भी आप फूड को रखोगे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर आपने जैसे ही नवाला रखा, क्या हुआ, एक तो टच की सेंसेशन आई और एक टेस्ट की आई। ये दोनों रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे और मैसेज विल गो टू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस विच इज़ प्रेजेंट इन एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेड्यूला, ठीक है। यहाँ पे मैसेज गया, देन इट विल मूव टू सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई, जो सलाइवा सिक्रीट करने के न्यूक्लियाई हैं, दे सेंड मैसेज वाया पैरासिम्पथैटिक नर्व्स टू थ्री ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है। तो जैसे ही फूड आई माउथ में, ना सिर्फ टेस्ट की सेंसेशन गई बल्कि साथ ही सलाइवरी न्यूक्लियाई भी स्टिमुलेट हो गए कि सलाइवा शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय दीज थ्री ग्लैंड्स टू एंटर इन द माउथ। एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो ये टेस्ट सेंसेशंस वाले फाइबर्स वाया क्रैनियल नर्व्स जा रहे हैं, दिस इज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व टेकिंग द मैसेज फ्रॉम द टंग टू दीज न्यूक्लियाई, और जो इफ्रेंट नर्व्स आ रही हैं दे आर द पैरासिम्पथैटिक नर्व्स टू दीज ग्लैंड्स, ठीक है। तो यही वजह है कि सोर टेस्ट जब भी होता है, आपने कोई भी खट्टी चीज़ खा ली है तो सलाइवेशन ज़्यादा होती है ना, तो सोर थिंग जब भी व्हेन यू पुट इट इन द माउथ तो देर वुड बी इंक्रीज्ड सलाइवेशन। तो ये दिस इज़ फ्रॉम द टेस्ट रिसेप्टर, जो मैसेज जा रहे हैं वो बहुत इंटेंसली जाएंगे। सिमिलरली कोई पेबल आपने माउथ के अंदर रख लिया है, देर वुड बी इन सेलिवेशन, दिस इज़ फ्रॉम द टैक्टाइल स्टिमुलाई, जो मैसेज जा रहे हैं वो बताएंगे कि दिस इज पेबल और देर शुड बी इंक्रीज्ड सेलिवेशन। नाउ वही चीज़ है, इससे आपने बड़ी सी फिगर से घबराना नहीं, ये चीज़ हम यहाँ पे कर चुके हुए हैं, We have done this. थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये आपकी टंग है, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, रिसेप्टर्स टंग के ऊपर है और वही क्रेनियल नर्व्स के थ्रू मैसेज जा रहा है टू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई, ठीक है। ये तो चीज़ वही है ना, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन पे दीज टू न्यूक्लियर प्रेजेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हायर सेंटर से भी कंट्रोल होता है इन न्यूक्लियाई का। अब हायर सेंटर से जब कंट्रोल होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सलाइवेशन को, एनी गुड स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन? इंक्रीज होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो चीज़ होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो चीज़, जब हम किसी
फूड के बारे में सोचते हैं. इवन द साइट ऑफ द फूड और स्मेल ऑफ द फूड की वजह से जो सलाइवेशन प्रोड्यूस हो जाती है, दिस इज फ्रॉम दिस कंट्रोल. कि आपके हायर सेंटर से भी एक मैसेज आता है सलाइवेटरी न्यूक्लियाई को और वो सलाइवेशन करा देते हैं फ्रॉम दीज थ्री ग्लैंड्स. क्यों? क्योंकि आपकी इवन द थॉट ऑफ द फूड और इवन द स्मेल ऑफ द फूड कैन इंक्रीज सलाइवेशन. ये हायर सेंटर से कंट्रोल की वजह से. ठीक है, अब यही न्यूक्लियाई जो हैं यहाँ से फाइबर्स जाते हैं डाउनवर्ड्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ से दे गो टू द सिंपथैटिक चेन एंड सिंपथैटिक नर्व्स सप्लाई दीज थ्री ग्लैंड्स पैरोटिड सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. तो कोई मुश्किल तो नहीं थी ना, एकदम देखने में फिगर बड़ी डिफिकल्ट सी लग रही थी, लेकिन वही चीज़ थी जो हमने पीछे से किया था. टंग से एफरेंट नर्व्स टू सुपीरियर एंड इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियाई, स्पाइनल कॉर्ड में जो मैसेज आ रहा है वहाँ से सिंपथैटिक चेन में, और सिंपथैटिक नर्व्स भी सप्लाई कर रही हैं पैरोटिड सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को. तो ये रेड कलर से सिंपथैटिक नर्व शो हो रही हैं, ग्रीन कलर से आपकी जो एफरेंट नर्व्स है, और ब्लू से जो जा रही हैं दे आर पैरासिम्पथैटिक नर्व्स. ठीक है, जो डायरेक्ट फ्रॉम सुपीरियर इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लिया जा रही हैं दे आर पैरासिम्पथैटिक. ठीक है, तो अब सिंपल आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि पैरासिम्पथैटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ पैरोटिड सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है. सिंपथैटिक भी थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बट मेन इफेक्ट जो है वो पैरासिम्पथैटिक नर्व्स का है इन टू इंक्रीज द सलाइवरी सिक्रीशन इन द माउथ. ठीक है, इस फिगर में आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, वो सारा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो टेस्ट के न्यूक्लियाई हैं वो हाइपोथैलेमस और अमिग्डाला से भी कनेक्टेड होते हैं. इस फिगर में सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है आपने. एंड दे टेक मैसेज टेस्ट न्यूक्लियाई, दे टेक मैसेज हाइपोथैलेमस एंड अमिग्डाला. इसी की वजह से आपको एक फीलिंग ऑफ हंगर होती है या फीलिंग ऑफ सेटाइटी होती है. जब आप खा लेते हैं तो आपको लगता है बस अब काफ़ी है, मैंने और नहीं खाना. तो ये सारा कुछ जो है इट इज़ ड्यू टू कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस एंड अमिग्डाला, सुपीरियर एंड इन्फीरियर सॉलिट्री न्यूक्लियाई का हाइपोथैलेमस और अमिग्डाला से कनेक्शन की वजह से देर इज फीलिंग ऑफ हंगर और सेटाइटी. ठीक है, दिस वॉज ऑल नॉट वेरी डिफिकल्ट. थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क.